क्लास टू में आज हम लेसन 11 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है एयर अराउंड अस, मतलब हमारे चारों तरफ की हवा। आज हम हवा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एयर इज ऑल राउंड अस, हवा जो है वो हमारे चारों तरफ पाया जाता है। व्हेन वी फील इट ओनली व्हेन इट मूव्स, और जब हवा चलती है तब हमें महसूस होती है। हवा तो हमारे चारों तरफ पाई जाती है, लेकिन हम इसे महसूस कब कर पाते हैं? जब हवा चलती है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, तो चलती हुई हवा को क्या कहते हैं? विंड करते हैं। यानी जो हवा चल रही होगी उसे हम क्या कहेंगे? विंड कहेंगे। When wind blows gently, it is called breeze. जब विंड कैसा ब्लो करे? जेंटली, जेंटली मतलब ऐसा ब्लो करे कि जो हमें अच्छी लगे, ठीक है, जो हमारी बॉडी को हमें अच्छी लगे, हल्की हल्की हवा चले, जिससे जो हम हवा को कहते हैं ना, हल्की हल्की हवा चले हमें अच्छी लग रही है, यानी वो हवा जो हल्की हल्की चले, जो हमें अच्छी लगे, वो क्या कहलाएगी? वो सब को ब्रीज कहेंगे। When wind blows very fast, it is called storm. और जब हवा बहुत तेज बहती है तो उसे storm कहते हैं। Storm मतलब होता है तूफान। It usually comes with thunder, lightning and rain and blows things away. ये प्रायः किसके साथ आता है? बिजली की कड़कने के साथ आता है, और साथ क्या होता है? बारिश के साथ आता है, और तूफान के साथ आता है। आंधी तूफान आती है तो क्या होता है? बिजली कड़कती है, बादल गरजते हैं, तो गर्जना के साथ आता है, लाइटिंग के साथ आता है, और बहुत सारी चीज़ें अपने साथ उड़ा के लेके चला जाता है। तो क्या होता है? विंड हमारे लिए जो है वह क्या होता है? मूविंग एयर जो होता है वह विंड होता है। तो मूविंग एयर जो विंड होता है उसमें जो विंड हमें अच्छी लगती है वो ब्रीज होता है, और जो विंड हमारे अच्छी नहीं लगती है, यानी जो हवा बहुत तेज बहती है, वो स्ट्रॉम होता है, और स्ट्रॉम क्या करता है? बहुत नुकसान पहुँचाता है, ठीक है? तो इस तरीके से आज हम देखें विंड क्या होता है, ब्रीज क्या होता है, स्ट्रॉम क्या होता है। इस तरीके से आपको ये तीनों अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसके बाद हम एयर है डायरेक्शन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।